नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामेरिजम्स इन एनालिड्स। जो एनालिड्स होते हैं उनमें मेटामेरिजम एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटामेरिजम मीन्स रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। जो एनालिड्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो इनके ऑर्गन है मीन्स सम या ऑल ऑर्गन, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। दिस इज मेटामेरिजम ऑफ एनालिड्स, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉडी अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इंटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर यूनिट कॉल्ड मेटामर्स, ठीक है। जैसे अर्थवर्म था उसकी जो बॉडी थी वो कैसे सेगमेंट अरेंज थी, दैट इज इन दिस फॉर्म, की जो सेगमेंटेशन हो रहा था, ठीक है, और ये जो सेगमेंट थे लीनियरली अरेंज थे, ठीक है, इंटू अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, मेटामर्स, ठीक है। अब सेकंड आता है, ये जो मेटामर्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो मेटामर्स होते हैं मींस जो बॉडी का सेगमेंटेशन हो रहा है, ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या इनसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पर टू टाइप के होते हैं, ठीक है, कि बॉडी के आउटसाइड हो रहा है या इनसाइड हो रहा है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है। एंड जो सेगमेंटेशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट, इसके बेसिस पर टू टाइप के होते हैं, दैट इज कंप्लीट मेटामेरिजम एंड इनकम्प्लीट मेटामेरिजम, ठीक है। जो अर्थवर्म था, ठीक है, उसमें जो सेगमेंटेशन हो रहा था वो किस प्रकार का हो रहा था, कि जो बॉडी थी वो इंटरनली भी डिवाइड कर रही थी और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रही थी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या पाया जा रहा था, वो टाइप के सेगमेंटेशन, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। जो अर्थवर्म थी उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक थी, ठीक है, वो क्या शो करती थी, वो रिमेन अन इफेक्टिव टू मेटामेरिजम, मीन्स इसका जो सेगमेंटेशन था वो नहीं हो रहा था, ठीक है। बट जो ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, एंड नर्व्स थी, ठीक है, उनका क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल मेटामेरिजम किस में पाया जाता है, दैट इज इन अर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। जो अडल्ट अर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी डिवाइड होती है, दैट इज इन एक्सटर्नली ओनली, मींस इनकी जो इंटरनल बॉडी पार्ट है उनका क्या नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो सेकेंड है, दैट इज इंटरनल मेटामेरिजम किन में शो हो रहा है, देखो जो इंटरनल मेटामेरिजम है ये किस में शो हो रहा है, दैट इज इन मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनमें ओनली इंटरनल मेटामेरिजम शो हो रहा है, ठीक है, बाय रिपीटेशंस, और इसमें कौन से ऑर्गन्स की रिपीटेशंस हो रही है, दैट इज योर बॉडी मसल्स, नर्व, सर्टेन ब्लड वेसल्स, ठीक है, वर्टिब्रा एंड रिब, इन सब की क्या हो रही है, रिपीटेशंस हो रही है, ठीक है। अब सेकंड आता है, दैट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामेरिजम। जो फर्स्ट है, दैट इज कंप्लीट मेटामेरिजम, ये जो कंप्लीट मेटामेरिजम किस में पाया जाता है, दैट इज इन एनालिड्स में, ठीक है। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, जो ब्लड वेसल्स है, नर्व है, नेफ्रेडिया है, ठीक है, जो सिलोमोडक्ट है, उनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। बट जो आइडियल कंप्लीट मेटामेरिजम नेवर फाउंड, ठीक है, बिकॉज जो एनालिड्स में भी क्या होता है, जो फर्स्ट पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं फर्स्ट पोर्शन, वो भी क्या किससे बनते हैं, बाय फ्यूजन, ठीक है, एंड जो लास्ट पोर्शन होता है, दैट आल्सो फॉर्म बाय द फ्यूजन, ठीक है। अब इनकम्प्लीट जो मेटामेरिजम में पाया जाता है, दैट इज आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, ठीक है, एंड अदर वर्टिब्रेट्स में, जिसमें जो डिफरेंट सेगमेंट और मेटामर्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी बिकम ग्रेटली डिसिमिलर, ठीक है, मींस इनमें जो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो अर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उनमें कौन सा जो मेटामेरिजम पाया जाता है, दैट इज कंप्लीट मेटामेरिजम इज फाउंड हियर, ओके। बट जैसे डेवलपमेंट होती है आर्थ्रोपोड्स की, तो क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है, फॉर देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर शो सेगमेंटेशन बिकम इनकम्प्लीट, ठीक है। और ये जो मींस कंप्लीट से इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म हो रहा है आर्थ्रोपोड्स में क्यों हो रहा है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उनमें जो मेटामेरिज्म था दैट इज कंप्लीट, ठीक है, और जो एडल्ट था उसमें जो मेटामेरिज्म दैट इज इनकम्प्लीट, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन मीन्स सर्टेन मेटामर्स लॉस हो गए, ठीक है, जो बॉडी हो गई दैट इज बिकम मोर सिंपल, ठीक है, एंड सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन मीन्स जो फ्यूजन ऑफ सेगमेंट टू फॉर्म है, ठीक है, जो हेड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो मैनी सेगमेंट्स के फ्यूज होने से हो रही है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर लाइक लिम्स, ठीक है, लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर्स की
फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो कंप्लीट जो मेटामेरिज्म था वो लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड डिफरेंसिएशन, जो बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट की फॉर्मेशंस करती है, इसलिए जो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट मीन्स अडल्ट में क्या मिलता है, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटामेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले आती है स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी, ठीक है। जो स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी किसने दी थी, हाइमेन ने दी थी इन 1951 में हेमेन ने दी थी, ठीक है। एंड इसने क्या कहा था कि मेटामेरिज्म डेवलप फ्रॉम सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। कौन से ऑर्गन, सच एज टेस्टिस, योग ग्लैंड एंड अपियरेंस ऑफ क्रॉस पार्टीशन इन बिटवीन देम, ठीक है। मीन्स कौन से ऑर्गन, जो सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटामेरिज्म है वो ऑर्गन्स के रिपीटेशन से फॉर्म हो रहा है, और ये जो ऑर्गन है जिनका रिपीटेशन हो रहा है, दैट आर टेस्टिस, योग ग्लैंड एंड अपियरेंस ऑफ क्रॉस पार्टीशन इन बिटवीन देम, सो दैट ईच सेगमेंट रिसीव ए रिपीटेड पार्ट ऑफ ईच सिस्टम। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा इन दीज ऑर्गन का, ठीक है। ये सभी ऑर्गन्स का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। एंड सेकेंड जो थ्योरी है, दैट इज साइक्लोमेरिज्म थ्योरी, ठीक है। और ये किसने दी थी, दैट इज सैगविच ने इन 1884 में, एंड इसका सपोर्ट किसने किया था, दैट इज रीमन ने इन 1963, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा था, जो एंटोसील है, ठीक है, वो किससे बना है, मीन्स फोर गैस्ट्रिक पाउच से कंपोज है, मीन्स जो गैस्ट्रिक है, ठीक है, उसमें फोर पाउच प्रेजेंट है, लाइक दिस, देखो ये हो गई, ठीक है, एंड यहाँ पर फोर पाउच, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या क्या कहा था, यहाँ पर फोर पाउच हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, क्या कहा कि दीज पाउच डिफ्रेंशिएट इनटू थ्री पेयर ऑफ सिलोमिक कंपार्टमेंट, ये जो पाउच है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये किसमें डिफ्रेंशिएट हो गई, लेटर ऑन किसमें डिफ्रेंशिएट हो गई, थ्री कंपार्टमेंट में, सिलोमिक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट थे प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है। ये डायग्राम बुक में दे रखा है, ठीक है। प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील्स में क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई, ठीक है। लेटर ऑन ये प्रोटोसील और मेजोसील लॉस हो जाते हैं, ठीक है, बस ओनली मेटासील्स ही रहता है, ठीक है। अब जो मेटासील होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड किसकी फॉर्मेशंस होगी, सेगमेंटेशंस, ठीक है, लाइक दिस, देखो सबसे पहले जो ये जो गैस्ट्रिक और एंटोसीलिक पाउच था, ठीक है, इसके क्या थे, फोर पार्ट थे, ठीक है। इसके बाद ये थ्री सिलोमिक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई, दैट इज प्रोटोसील, ठीक है, मीजोसील एंड मेटासील्स, दिस इज मीजोसील एंड दिस इज मेटासील, ठीक है। लेटर ऑन स्टेज में क्या हो गया, प्रोटोसील और मेजोसील्स क्या हो गई, लॉस हो गई, प्रोटोसील और मेजोसील्स लॉस हो गए, ठीक है, ओनली मेटासील ही यहाँ पर रहा, ठीक है। अब ये जो मेटासील है इसका क्या हुआ, सेगमेंटेशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या किसकी फॉर्मेशंस हो गई, मेटामर्स की फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो थ्योरी थी, दैट इज कॉम और फिजन थ्योरी, ठीक है, इसको जिसने दिया, दैट इज बेरियर, ठीक है, 1882 में। और इसने क्या कहा था कि जो एक सेगमेंटेड एनिमल है, मान लेते हैं जैसे अर्थवर्म है, ठीक है, ये किससे कंपोज है, चेन ऑफ कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड सब इंडिविजुअल, ठीक है, ये क्या है, सब इंडिविजुअल्स की चेन है, ठीक है। एंड ये जो चेन है कैसी है, कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड, मीन्स इसके जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट है, मीन्स कंट्रोल में है, ठीक है। एंड फॉर्म बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन और बाय एसेक्सुअल बडिंग ऑफ सम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर, ठीक है, या जो नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर है तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स फ्यूजन, जैसे ये अर्थवर्म की बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या है, सेगमेंटेशन है, ठीक है, और ये जो डिवीजन है, दैट इज ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कैसा है, सब इंडिविजुअल से कंपोज है, मान लेते हैं ये जो है, ठीक है, सब इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके साथ सेकंड अटैच है, दैट इज आल्सो सब इंडिविजुअल, दैट इज थर्ड सब इंडिविजुअल, एंड ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी की फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनके जो फंक्शन है हर सब इंडिविजुअल के क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी। एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसके कारण से क्या हो रहा है, सेगमेंटेशंस, किसका, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ मीजोडर्म, ठीक है, जो मीजोडर्म है उसका क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशंस हो रहा है, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, लीडिंग टू सेगमेंटेशन रिपीटेशन ऑफ मीजोडर्मल स्ट्रक्चर इन दी अडल्ट।
ओके जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज लोकोमोटरी थ्योरी। लोकोमोटरी थ्योरी क्या स्टेट कि मेटामेरिज्म किसका रिजल्ट है, ये है रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन टू लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन के लिए अडेप्टेशन एक्वायर की गई, ठीक है, और उसका रिजल्ट है दैट इज मेटामेरिज्म, ठीक है। जैसे जो ब्रोइंग हैबिट होती है एनलिड्स की, ठीक है, फॉर अंडुलेटिंग स्विमिंग मूवमेंट इन कॉर्डेट्स, ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है इन मूवमेंट के लिए मेटामेरिज्म अडेप्ट हुआ, ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंस है जो मेटामेरिज्म है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो फर्स्ट है दैट इज लोकोमोशन की जो बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, जो एनलिड्स हैं या फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है उसमें क्या करती है, सेगमेंट लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, मेटामेरिज्म क्या प्रोवाइड करती है कि जो डिफरेंट सेगमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेगमेंट क्या हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, एंड दिस लीडिंग टू ए रैपिड इवोल्यूशन ऑफ हाई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो सूडो मेटामेरिज्म और ट्रू मेटामेरिज्म होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो जो सूडो मेटामेरिज्म होता है उनमें जो मेटामेरिज्म होता है मीन सेगमेंटेशन या रिपीटेशन सेगमेंटेशन की फॉर्मेशन होती है दैट इज ओनली इन एक्टोडर्म, ठीक है, ये कौन सी लेयर में होती है, एक्टोडर्म में होती है, ठीक है। बट जो ट्रू मेटामेरिज्म होते हैं उनमें जो सेगमेंटेशन की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, बाई मेसोडर्म के डिविजन से होती है, ठीक है, और इनमें ओनली एक्टोडर्म डिवाइड होती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जो एनिलिड्स हैं, ठीक है, उसमें जो ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है, वो जो पॉलीकिड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो जायगोट किसमें डेवलप होता है दैट इज जो ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अब जो ट्रोकोफोर का मींस होता है, ट्रोकोस मींस व्हील एंड फेरिंस मींस टू बियर, मींस व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर होता है ट्रोकोफोर लार्वा का कैसा होता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज माइन्यूट, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है दैट इज एपिकल सीलिया, ठीक है, एंड दिस इज ये यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर सीलिएटेड है एंड जो बॉडी पार्ट है दैट इज अनसेगमेंटेड, यहाँ पर क्या है सेगमेंटेशन की एब्सेंस है, ठीक है, एंड जो अपर पोर्शन है दैट इज टॉप इज ओवल लाइक, ठीक है, ओवल लाइक है एंड इनकी जो बॉडी कवरिंग है दैट इज वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड जो अपर पोर्शन है, ठीक है, एट द अपेक्स जो एपिकल प्लेट प्रेजेंट, ठीक है, एपिकल प्लेट के जो अपर पोर्शन पर क्या प्रेजेंट है, एपिकल सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इक्यूटोरियल पोजिशन पर भी टू सीलेटेड बैंड आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें ये क्या है, ये ओपनिंग है, ठीक है, ये है दैट इज ओपनिंग इज स्टोमोडियम और ये ओपनिंग किसके माउथ की, ठीक है, दिस इज माउथ पार्ट, ठीक है, एंड ये क्या है गट है, ठीक है, ये क्या है स्टोमच है एंड नेक्स्ट पार्ट इज इंटेस्टाइन, दिस रीजन इज इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड जो ओपनिंग है एनएस की दैट इज प्रोटोडियम, ठीक है, एंड दिस इज एनएस पार्ट, ठीक है, एंड इसकी जो बॉडी कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट है दैट इज नेफ्रेडिया, ठीक है, एंड मेसेनकाइमल सेल, ठीक है, एंड मसल्स फाइबर, ठीक है, एंड दिस इज जो बॉडी कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, एंड अब जो ये जो लार्वा स्टेज है ये किस में जाएगा, मेटामॉर्फोसिस में जाएगा, ठीक है, एंड किसकी फॉर्मेशन होगी, एडल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये जो लार्वा के डिफरेंट बॉडी पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट मींस अडल्ट में डिफरेंट बॉडी पार्ट की फॉर्मेशंस करेंगी, जैसे कि जो प्रोटोट्रोकर रीजन है, ठीक है, प्रोटोट्रोकर रीजन किसकी फॉर्मेशंस करेगा दैट इज जो प्रोस्टोमियम, ठीक है, एंड स्टोमोडियल रीजन किसकी फॉर्म करेगा, प्रीवेस्किरल कैविटी की फॉर्मेशंस करेगा, पेरीवेस्किरल सेगमेंट की, एंड द पाइडियल रीजन फॉर्म द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अडल्ट, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोकोफोर लार्वा, ओके।